मंच पर आश्रय प्रभु प्रभु प्रतिष्ठित अतिथि बन और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा विकसित देश और दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही होने के बावजूद वह आपके पत्रकार को अपने राष्ट्राध्यक्ष को सवाल पूछने का अधिकार नहीं होता। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था होने के बावजूद चीन की प्रजा खुद के ही सरकार के अंदर व्यवस्था से त्रस्त है और यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला विकास दर होने के बावजूद भारत देश के पप्पू के दिल में सवाल है विकास कहाँ गया है। ये विचार जब मेरे मन में आता है तब मुझे लगता है कि हाँ, इस सदन में इन युवाओं के सामने यह विषय अवश्य प्रस्तुत होना चाहिए, सकल घरेलू उत्पाद बनाम सकल घरेलू आनंद, जीडीपी वर्सेस जीडीएच। हमारे देश में पहले लेन देन की व्यवस्था थी जिसके कारण मनुष्य सुख समाधान और शांति से जीता था। धीरे धीरे प्रगति होती गई, विकास होते गया, नई नई यंत्रणाएं आती गई जिसके कारण मनुष्य में स्पर्धा और असमानता बढ़ती गई, बढ़ती हुई स्पर्धा के कारण मनुष्य में असमानताएं आती गई जिसके कारण मनुष्य अपनी सुख शांति और समाधान खो बैठा। दरअसल जिस मोबाइल फोन का संशोधन ही दूरसंचार के लिए किया गया था वो मोबाइल फोन कब मेरे बगल में बैठे व्यक्ति का संचार से दूर लेके गया मुझे पता ही नहीं चला। क्योंकि हम हमारा और हमारे देश का विकास पैसों में और जीडीपी में गिनने लगे जो कि केवल आंकड़े हैं और यह सत्य है। यदि हम अपना आनंद अपनी खुशी आंकड़े में गिनेंगे तो हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी पर हमें कभी खुशी नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ के जो साइंस के स्टूडेंट है उनको बताया कि आंकड़े तो इन्फिनिटी तक होते हैं। और आंकड़ों की बात की भी जाए तो हमारे देश का जीडीपी बताता है कि देश के किसानों का उत्पादन दिन ब दिन बढ़ रहा है और सत्य परिस्थितियां ये बताती है कि हमारे ही देश में किसानों की आत्महत्याओं का प्रमाण भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसलिए मुझे कभी ऐसा लगता है कि हमने फिर जीडीपी से ज्यादा महत्व जीडीएच को देना चाहिए। फिर मन में सवाल आता है कि हम तो 21वीं सदी में जीते हैं जहां बिना पैसों के बेटा भी अपने बाप को नहीं पूछता, वह बिना पैसों के देश को कौन पूछेगा। इसलिए मैं आप सब लोगों के सामने नॉर्डिक कंट्रीज जैसे डेनमार्क और नॉर्वे का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। दुनिया में जितने विकसित देश है उन विकसित देशों में से एक देश है डेनमार्क और दुनिया का सबसे खुशहाल #1 सबसे खुशहाल देश यानी डेनमार्क। क्योंकि वहाँ वेतन समानता आर्थिक समानता है जिसके कारण वहाँ की प्रजा समाधानी है। इसलिए वे अपने वेतन में से 65% वेतन सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं जिसके कारण विकास भी होता है, जीडीपी भी बढ़ता है और समाधानी प्रजा के कारण देश भी खुशहाल रहता है। अभी हम वेतन समानता और आर्थिक समानता भारत जैसे देश में जहाँ इतनी विविधताएं हैं वहाँ कैसे लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हम भारत देश के वासी हैं जिसकी पहचान जिसकी ताकत विविधताओं में एकता है। इसका विचार भी इसमें जाते वक्त मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज कली बेच दी है चमन बेच देंगे, आज कली बेच दी है चमन बेच देंगे, गली बेच दी है गगन बेच देंगे। अभी भी नहीं सुधरे ये जीडीपी के पुजारी, अभी भी नहीं सुधरे पुजारी तो उत्पादों के पुजारी सारा देश बेच देंगे। धन्यवाद।